हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं आ रखी हूँ अम्बवाली जोड़ यार। तो आज मैं करने वाली हूँ हेयर कलर। ये मैंने मंगाया था मीशो से, नीसा हेयर कलर क्रीम है, गोल्डन कलर का हेयर है। तो इसको अप्लाई करूँगी एंड दिखाने वाली हूँ कि कैसा कलर आता है। और काफ़ी टाइम से आई थिंक 6 to 7 months से मैंने कोई हेयर कलर नहीं लगाया है। तो अभी मैं हेयर कलर अप्लाई करने वाली, मेरे सारे वाइट हेयर भी दिख रहे हैं, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट में भी आ रहा है कि मैम हेयर कलर कीजिए। और मेरे घर में भी सब बोल रहे थे कि हेयर कलर कर लो, बहुत ज़्यादा हेयर वाइट हो गए हैं। तो इसको मैं अप्लाई करने वाली हूँ। कैसे अप्लाई करना है, क्या रिजल्ट आता है, सब कुछ वीडियो में दिखने को मिलेगा आपको। तो चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि किसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो मैं यहाँ पे रख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे पूरा क्लियर दिख रहा है, इसलिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो ये वाला कलर अप्लाई करना है एंड देखते हैं मेरे फेस पे कैसा लगता है। तो उसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है वो दिखाती हूँ मैं आपको। इसके अंदर दिया हुआ है ये कलर क्रीम डेवलपर शेड नंबर 2 है। देन ये दिया है क्रीम कलर शेड नंबर 1 है। दो कंडीशनर जो कि आपको वॉश करते टाइम यूज करना है, निशा कंडीशनर। एक ब्रश दिया है जिससे आप इजीली अप्लाई कर सकते हो अपने बालों में। देन 3 कंडीशनर दिए हुए हैं, आप चाहो तो पूरा हेयर कलर अप्लाई कर लीजिए, चाहो तो 2 बार में यूज कर सकते हो उसको। और इसमें दिया हुआ है ग्लव, इसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। और एक ब्रश भी दिया हुआ है, इसकी मदद से आप इजीली इसको अप्लाई कर सकते हो। ग्लव को पहन लीजिएगा। और एक कटोरी लिया हुआ है मैंने, इसमें इस तरीके का होल होता है जिससे आप इजीली इसको खोल सकते हो। ऊपर से दबा के निकालना है क्योंकि ये बहुत टाइट होता है और निकलता नहीं है जल्दी। तो ऊपर से जितना क्रीम निकाल सकते हो उतना निकाल लेते हैं। हाफ मैंने लिया है, हाफ इसके अंदर ही रख दे रही हूँ, नेक्स्ट टाइम यूज कर लेंगे या फिर अभी कम पड़ेगा तो इसको यूज करना पड़ेगा। ये अपना डेवलपर, इसका भी हाफ।
फ्रेंड्स माइक हो चुका है डिस्चार्ज, तो बैकग्राउंड साउंड आए तो प्लीज माफ कीजिएगा। इसको आप पहले कान के पीछे अभी तेल लगा के चेक कर लीजिएगा कि आपको खुजली या जलन तो नहीं हो रहा, क्योंकि डायरेक्ट आप इसको अप्लाई करोगे तो हो सकता है कि आपके बालों पे या फिर आपकी स्किन पे प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से लगा लेना है। ओके, दो मिनट के लिए छोड़ना है, उसके बाद आपको बालों में अप्लाई करना है। बालों में यूज़ करने से पहले आपको बालों में कुछ भी लगा नहीं होना चाहिए, कंडीशनर वगैरह कुछ भी आपको नॉर्मली शैम्पू से वॉश करके डायरेक्ट इसको अप्लाई करना है अपने बालों में। तो मैं भी डाल दे रही हूँ थोड़ा, क्योंकि हाथों में लगेगा और हाथों में तो फिर जो है चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे कुछ फील नहीं मिल रहा है कान के पीछे, आप इस तरीके से सारी प्लेट को जरूर से अप्लाई करूँगी क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा वाइट हो गए हैं। ठीक है, जिस व्यक्ति छोड़ के अप्लाई कीजिएगा, अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो मैंने पहले भी यूज़ किया है, जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा फ्रंट में ही मेरे बाल ज़्यादा वाइट रहते हैं। स्किन पर भी थोड़ी सी लगा दीजिए, ये तो गोल्डन क्रीम कलर है तो नहीं लगेगा, लेकिन आप मैं रेगुलर वगैरह यूज़ करोगे तो हो सकता है कि कलर रह जाए आपकी स्किन पे। अच्छे से मैं धीरे धीरे अप्लाई कर रही हूँ, मैं पूरी वीडियो में कलर लगा के दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा कह सकती हूँ कि थोड़ा सा अप्लाई करके दिखा रही थी कि ऐसे अप्लाई करना है, बट आपको कमेंट आते हैं मैं पूरा लगा के दिखाई है जैसे कि हमको पता चलेगी कैसे कैसे अप्लाई करना है। इसलिए कल मैंने बताया था हेयर केयर टिप्स एंड स्किन टाइटनिंग के लिए घर पर बनी चीज़ों से बहुत अच्छा रिजल्ट है, उसका मैंने यूज़ किया था, बहुत अच्छा ग्लो स्किन पर देखने को मिला था। तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो, उसको डेली यूज़ करोगे, डेली भी कर सकते हो, बट हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ करोगे तो वो आपकी स्किन को टाइट करेगा, स्किन को रिंकल चूड़ियों से रिमूव करेगा, डार्क स्पॉट्स को रिमूव करेगा, डार्क सर्कल को रिमूव करेगा और बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा आपकी स्किन में। तो आप उसको जरूर अप्लाई कीजिएगा, जाके एक बार चेक कर लीजिए, आई बटन पर मिल जाएगा आपको वीडियो, या फिर आप वीडियो में जाके भी चेक कर सकते हो। और इंस्टाग्राम एंड दूसरे वाले चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हो। काफ़ी टाइम से मैंने यूज़ नहीं किया था कोई भी कलर, जैसे कि आपको कलर में दिख भी रहा है इतनी हेयर की लेंथ गड़बड़ी है, ये सारा कलर पहले का है। फ्रेंड भी लगा लिया है और इंटैक्ट में मैं क्या करूँगी, दिखाई तो दे रहा है थोड़ा थोड़ा माल निकालने वाले से अप्लाई कर लूँगी ताकि अच्छे से लग जाए।
से मैं बगल अप्लाई कर लूँगी। क्रीम को पूरे बाद में अच्छे से अप्लाई करेंगे। अभी ब्रश का काम खत्म हो गया है, अब मैं हाथों का यूज करने वाली हूँ। सिंपली इस तरीके से क्रीम को उठाएंगे, क्रीम पालों में अप्लाई करेंगे। कहीं भी बचना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर अच्छी रिवाइट हो। पूरा कटोरी खाली हो चुका है, दम पूरा लग गया मेरे बारे में और ये मुझे आपको नहीं लग रहा है। इस तरीके से पूरा बना के थोड़ा सा इसको रखेंगे, आपको 30 मिनट के लिए देख के रखेंगे। तो जहाँ जहाँ भी लगे हैं आपको रिमूव कर लीजिएगा। तो 30 मिनट्स के बाद क्या रिजल्ट आता है इसका, वो मैं आप लोगों को शेयर करूँगी। थोड़ा सा मेरे शॉप के लिए मिल गया था, कैसे आपको तो पूरा फाइनल इसको 30 मिनट रखेंगे नॉर्मल पानी से वॉश करके, कंडीशनर अप्लाई करेंगे एंड फिर से नॉर्मल पानी से वॉश कर देंगे। कंडीशनर को बालों में नहीं छोड़ना चाहिए, आपके हेयर फॉल में आपका हेयर फॉल ज़्यादा हो सकता है। तो 30 मिनट बाद कंडीशनर अप्लाई करके वॉश करके और फाइनल रिजल्ट जो आता है वो मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ। मैंने अप्लाई किया है निशा हेयर कलर क्रीम। कैसे अप्लाई करना है, क्या रिजल्ट है, क्या क्रीम का प्रोसेस है, सब कुछ डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल दिया है। और मैं आई हूँ आम्रपाली जोरियाल अपने सिस्टर इन लॉ के घर पर। तो क्रीम सूखने में 35 मिनट रखना है इसको बालों में, तब तो मैंने सोचा एक छोटा सा ब्लॉग आपने करा शेयर कर। और मैं भी शिफ्ट हो गई हूँ ग्रेटर नोएडा में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो कलर आने के बाद जो फाइनल रिजल्ट होगा वो आपको मेरे चैनल पर मिलेगा। पूरा डिटेल बारीकी एक एक चीज़ समझाई हुई है। अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो वीडियो आप लोग को, आप लोग को बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये गोल्डन हेयर कलर है तो गोल्डन कलर का हेयर कलर आएगा इसको साफ करने के बाद, तो सब कुछ तो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन डिटेल में बारीकी में समझ के सब कुछ जान के फिर अप्लाई करिएगा अपने बालों में, नहीं तो हो सकता है कि आपके बाल ख़राब हो जाए, आपके कुछ दिक्कत आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। चेहरे के बालों में अच्छे से कलर आ चुका है। जल्दी में वॉश करने हैं और बाल वॉश करके एंड गीले में कहते हैं सूखे में कहते हैं सब कुछ दिखाने वाली हूँ। आपको भी भूख निकल चुकी है, हम यहाँ से जाएंगे शाम को। Yeah.